नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा और आज हम जंगल में जाने वाले हैं। आज मैं पूरा आपको जंगल का जो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग है अनुभूति कार्यक्रम की, उसके बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूं। मैं पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितना हो सके आपको जंगल की वो खूबसूरती दिखाऊंगा जो शायद आप कभी नहीं देख पाओगे। हम भी कभी कभार यहां जाते हैं, लेकिन वो मौका मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपको जरूर दिखाता हूं। दोस्तों चाहिए चलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और जंगल का नजारा देखते हैं। करे इनर पेन करे लग रहा है रे तू तू भी करे तुझे लेकर सूखा है। दो यार मिले जब यूट्यूब पे आएंगे शाम को। धमकन पचपेड़िया में नरवर पचपेड़िया डबल चार्ज में वो लक्ष्मण भगवान को। तो हम शुरुआती चरण में हैं अनुभूति प्रोग्राम की ट्रेनिंग के। एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में हम अब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नेशनल पार्क में वन भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है, उनके बढ़ने के नियम बताए जा रहे हैं और उनसे हमें क्या फायदा मिलता है उसके बारे में जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पेड़ पौधे प्रकृति में हमारी किस तरीके से जीवन देने में योगदान दे रहे हैं उसके बारे में समझाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पर्यावरण हमारे लिए अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार से योगदान दे रहा है। लगातार वो अपन को जीवित रखना चाह रहा है पर हम मरना चाह रहे हैं, ये चीज बताने के लिए हम हमारे लिए यहाँ पे अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो वो हम सीखेंगे। क्या नजारा है भाई, देखिए आप इधर देखिए। तो साथ ही अभी हम लोग जा चुके हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे सर और मैं पीछे खड़ा हूँ। ये देखिए जो घास दिख रही है आपको ना, ये वो घास है जिससे आपके गेहूं जो है वो उसी प्रजाति की घास है। मतलब ये प्रजाति वही है, बहुत सी अलग अलग एक ही प्रजाति की अलग अलग जो वही है, मतलब समझ रहे हो, डाइवर्टेड उसमें कुछ ये घास है और बाकी जो कुछ बीज वाली है वो हम लोग गेहूं उसको समझते हैं और बढ़िया उसको खाते हुए रोटी बना के। तो ये वही है, आपको और एक और दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए ये जो बड़ी बड़ी है, लगभग 7-7 फुट की ये घास है, आप देख सकते हो हमारी हाइट से भी ऊंची है। तो इसी प्रजाति के जो हम गेहूं है वो दोस्तों यूज करते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं, ये फर्न जो है, फर्न आप समझते हो जो आपके मेले में बिकती है, जिसको आप सूखी सूखी फर्न होती है उसको पानी में डाल दो तो बिल्कुल हरी हो जाती है। तो दोस्तों ये वही है और मैं कुछ उसको निकाल के घर पे भी लेके आया हूँ, मैंने लगाया, बच्चा मेरा बहुत खुश है उसको देख के। तो ये जो फर्न है सूख जाती है, उसको जब पानी में डाल सामूहिक मल त्याग केंद्र, ये कौन करता है? नील गाय। और साथ में कौन करते हैं सर? ये क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है और जैसे ढेलाएं लताएं बोलते हैं। ये देखिए सर मुझे लताओं के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा साउंड का मारा क्योंकि दूर खड़ा था मेरा दोस्त। और ये लताएं दोस्तों ये बहुत ऊपर तक जाती हैं और ऊपर जाकर सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाती है और नीचे इनकी जड़ होती है, तो ये गोल गोल हो जाती है। कितनी मोटी है और कितनी पावरफुल है ये। तो साथियों इनको शायद लायना भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है जंगल की खूबसूरती और ये जंगल में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग फर्न और चेरी देख रहे हैं, उससे कंसंट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता होती है, ड्रोन अभी अभी जानवर पानी गिर गया है, ये सफेद था ऐसा तो भूखे जैसा दिखता है, सफेद हो जाता है पानी की कमी। खाने के बाद ये बढ़िया पैकेट मिला है और इधर बैठ के हम लोग खाएंगे। क्या है इसमें, देखो ये बोल के इसमें भोजन है, जल्दी देखा क्या है इसमें। अभी सस्पेंस है, अभी पता चलेगा कि इसमें क्या है। कार जगह रहा हूँ मयूर, भाभी ले जा दो पैकेट, भाभी के लिए नहीं है ना कुछ दादा, खा जाऊ खोल के देखा। जल्दी खोल जल्दी खोल, बहुत कड़ी भूख लग रही है यार। लगता है इसमें 1 किलो मिठाई है प्रेम सूट की। अरे वाह यार, छे क्या अरे क्या नहीं यार, ये क्या है मिक्स गुलाम जामुन चावल जी, क्या है दही वड़ा, रायता जी, मटर पनीर जी, क्या है सॉस जी, मटर पनीर और जी क्या है दाल। अरे वाह यार, तो अभी ये खाएंगे, अभी ये ब्लैकी निकाल रहा है
हरी सर। और ये फाड़ा क्या है, ये क्या फाड़ा, सॉस अचार अचार अचार। ये उठाई इसमें रोटी, क्या इसमें रोटी की पूड़ी है, जल्दी देख, रोटी है रोटी, मजा आ जाएगा रोटी होंगे तो। और इसमें बड़ी तली मिर्ची भी है, सलाद भी है, पूरे बन रक्षा खींच के खा रहे हैं, देखो मन से लगे हैं, देखो देखो था जी। रोटी कितनी है, तीन चक्कर में दाल फेल गई, अरे खा लग गया सौरभ का गुलाम जामुन चला लाओ, सौरभ का गुलाम जामुन अभी यहाँ देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्यारी प्यारी नोटी नोटी बातों को। पूरी का सी थी मोटी मोटी, दो दो इंच वाली, दो दो इंच की। तो कैमरा कौन की गायब है, बलराम की तो बताई थी, तीस रुपए होगा। प्यारे साथियों, हम लोग वापस अभी अपने घर जा रहे हैं, और मेरी आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, लेकिन ये जो प्रकृति है इसको हम बचाना है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन लगा हुआ है। पूरी जो संसार है, पूरी पृथ्वी है, केवल एक ही चीज पर टिकी हुई है, वो है नेचर, वो है प्रकृति, वो है पेड़ पौधे, वो है जंगल। तो जंगल को जितना हो सके बचाइए और अपना योगदान जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जवाहर खाली, सब्सक्राइब करना ना भूलें।